गाइस यार हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज मैं फिर से सुबह लेट उठा और शिनचान को लेने जाने के लिए भी लेट हो गया। पता नहीं वो अकेला वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहा होगा। अरे दोस्तों मेरी बात सुनो ना, जब तक फ्रैंकलिन भैया आ रही है तुम सब लोग ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। अरे मेरा तो सुपरमैन है, तुम सभी को पता है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, क्या बोलते हो। अरे नहीं नहीं, मेरी तो फेवरेट वंडर वुमन है, वो कितनी प्यारी दिखती है। मुझे तो स्पाइडरमैन पसंद है, काश मैं भी उसके जैसे स्विंग कर सकता। अरे तुम सब गलत हो, क्योंकि सबसे बेस्ट सुपर हीरो तो बैटमैन है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुपरमैन ही बेस्ट है। अरे नहीं, हल्क सबसे बेस्ट है, उसको कोई नहीं हरा सकता। देखो सारे सुपर हीरो के पास तो पावर है, पर बैटमैन के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं, वो बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब यार गाड़ी को और स्पीड भगाना पड़ेगा, सब लोग साइड से हट जाओ, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूं। गाइस गाइस हम लोग बस पहुंचने वाले, शिनचान की स्कूल तो आ गई है, जल्दी से जाके गाड़ी को पार्क करते हैं, ये जगह ठीक रहेगी। चलो गाइस यार गाड़ी तो पार्क हो गई, अब जल्दी से जाते हैं शिनचान को लेने। एक मिनट, ये क्या, मुझे तो लगा था वो अकेला खड़ा होगा, पर उसके दोस्त तो उसके साथ ही है, इसका मतलब मैं इतना भी लेट नहीं हुआ हूँ। चलो टाइम से तो पहुँचे, शिनचान चल। अरे ये क्या, ये गंदी आवाज तो पहले भी सुनी है मैंने। फ्रैंकलिन भैया आप आ गए, मुझे तो लगा था आज भी आप बहुत लेट करोगे, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को रुका के रखा ताकि मैं अकेले कंटाल ना जाऊँ, पर आज तो चमत्कारी हो गया, आप तो टाइम पे आ गए। वो तो भाई मुझे ही पता है कि मैं कैसे कर करके आया हूँ, अब चल जल्दी से, तू भी घर पर अकेला है। तो उसको वहाँ पर क्यों छोड़ा, उसको भी लेके आ जाते। अरे यार उसको छोड़ा नहीं है मैंने, घाई घाई में उसको लेके आना ही भूल गया, आप हमेशा कुछ ना कुछ भूलते रहते हो। हो गई बकवास, अब चले। अरे तो चलो ना, मैंने कब रुका है। रोका नहीं है पर रुका हुआ तो था ना, अब आ जा आके गाड़ी में बैठ। अरे पहले आप तो बैठ जाओ। ये ले मैं तो बैठ गया हूँ, जल्दी चल यार, अगर आज मैं सही टाइम पर पहुंचा हूँ ना तो ये सब इस गाड़ी की वजह से। ये गाड़ी क्या भागती है यार, और क्या कंट्रोल है इसका, और आते ही गाड़ी दूसरी गाड़ी को टच कर दी। अरे यार ऐसा नहीं, वो गलती से हो गया। अरे ये कैसे चला रही हो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे यार अभी तक तो मैं बराबर ही चला रहा था, तूने आके मेरे पूरे कंसंट्रेशन की बैंड बजा दी। भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, खुद से गलती होती है तो दूसरों पर डाल दो। एक काम करना, कल से तू चला के आ जाना। अरे ये कोई बात होती है, एक 5 साल का बच्चा गाड़ी कैसे चलाएगा। एक मिनट गाइस, ये तो बैटमैन की गाड़ी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, और उसने गाड़ी को यहाँ पर पार्क क्यों किया, ये तो बहुत गलत बात है यार, आप है ना एक नंबर के भोंदू ही रहोगे। अरे उन्होंने खाली गाड़ी को पार्क नहीं किया है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आए होंगे, वरना उनके पास तो गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत जगह है। अरे हाँ रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो घर के अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है बाबा आ जा। जॉब कहाँ गया तू, मैं घर पर आ गया हूँ। पता नहीं बैटमैन आया भी है या नहीं। ओहो भाई साहब, शिनचान सही बोल रहा था, बैटमैन तो यही पर है। ये देखो बैटमैन, फ्रैंकलिन भैया आ गए, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। बैटमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कब से यहाँ पर खड़ा हूँ। अरे वो मैं थोड़ा शिनचान को लेने गया था, पर मेरा वेट क्यों कर रहे थे। अब मेरी बात सुनो, जोकर हार्ली बेन और टू फेस ने मिलकर सुपरमैन के साथ कुछ तो किया है, जिससे वो एक डार्क सुपरमैन बन चुका है, और उसने बैट गर्ल को किडनैप कर लिया। क्या बात कर रहे हो, अब यार ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है, अभी हम लोग क्या करेंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं अकेला सुपरमैन को हराने तो जा सकता हूँ, पर बैट गर्ल को नहीं बचा सकता, क्योंकि सुपरमैन उसे मार देगा। इसलिए तुम सुपरमैन को हराने जाओगे और मैं जाके बैट गर्ल को बचाऊंगा। बेचारी बैट गर्ल, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, मुझे तो उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। हाँ और सुपरमैन तो है भी कितना ताकतवर, उसके सामने एक तो कोई भी नहीं टिक सकता। देखो बैटमैन तुम्हारी सारी बात सही है, पर जरा सोचो तो सही, मैं सुपरमैन को कैसे हरा सकता हूँ, मैं तो खाली एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें अपने सूट दूंगा, जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो, तुम मुझे अपना सूट दोगे, फिर भी क्या मैं उसे हरा पाऊंगा। अब जहाँ पर वही पर खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बैट गर्ल को बचाना है किसी भी हालत में। अच्छा ठीक है, मैंने तो ना बोला भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। ये लो तुम्हारा सूट, अब तुम भी एक बैटमैन बन जाओगे। गाइस यार देखते कौन सा सूट मिलता है और हम लोग कौन से बैटमैन बनते हैं। हम लोग बैटमैन, क्या ये कौन सा बैटमैन है, बैटमैन कम हलवा ही ज्यादा लग रहा है ये, ऐसे में सुपरमैन को हराऊंगा, मुझे तो लगता है ये भाग भी नहीं पाएगा। प्लीज यार कोई और सूट दो। रुक जाओ, ये बेसिक लेवल का बैटमैन सूट है, अगर तुम्हें खुद को अपग्रेड करना है तो बैटमैन सूट ऑनलाइन शॉप से करो, जिसे तुम्हें बस बाय करना होगा। चलो ये भी ठीक है, कम से कम नए सूट तो खरीद पाएंगे। तो तुम सब लोग ध्यान रखो और बैटमैन बैट गर्ल को बचा लेना, मैं जा रहा हूँ। गाइस यार ऐसे तो हम लोग सुपरमैन को हरा नहीं पाएंगे, तो हमें चाहिए एक नया सूट, और नए सूट के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे पैसे। अब वो मैं कहाँ से लाऊंगा। आउच यार, अबे देख के नहीं चला सकता, पता नहीं कैसे कैसे ड्राइवर भरे। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे टू फेस की लोकेशन मिल गई है, वो अपने मेंशन पर ही है, उसे जाकर हरा दो, शायद तुम्हें पैसे मिल जाए। ओके चलो, कोई तो बात ऐसी कही जिससे मैं खुश हुआ। तो गाइस यार जल्दी जल्दी चलते टू फेस के मेंशन पर, लोकेशन के हिसाब से तो वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। गाइस यार हम लोग काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, और ठीक मेरे आंखों के सामने उसका मेंशन है। यहाँ चारों बाजू गार्ड्स है, ना मैं पार्किंग से घुस सकता हूँ, ना मेन गेट से, और ना ही बैक गेट से, इन्होंने तो रोड पर भी गार्ड खड़े रखे हैं। देखो कहीं से तो घुसना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूँ बैक।
गेट से। सामने से तो जाऊंगा तो तुरंत सबको पता चल जाएगा यहाँ पर दो जने, इन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं है। और ये गया, जल्दी से जाके इसको भी मारते है। अबे यार ये मरा नहीं अभी तक, तो मैं ये ले। जल्दी से इसकी गन उठाते गाइस। वाह यार क्या बात है, इनके पैसे मिले हमें। अब जल्दी जल्दी इनको धरते हैं। चलो एक तो गया, अब बारी है दूसरे की। अबे यार अभी रिलोडिंग होना था। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो ये भी गया। ये देखो यहाँ पर छुप के बैठा था, इसको लगा मुझे पता नहीं चलेगा, इसको तो बंदूक के कोने से मारूंगा। चलो चलो गाइस जल्दी जल्दी एरिया साफ करते हैं यहाँ का। एक तो इसके घर पर इतने सारे गार्ड होंगे मुझे पता नहीं था, बहुत डरपोक निकला ये टू फेस। चलो गाइस ये वाला बंदा भी गया। देखो देखो जरा इसको तो देखो, मानना पड़ेगा इस वाले बैट्समैन की चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी है, हमको गोली लग नहीं रही है ज्यादा। यहाँ पर भी एक है, इसको भी निपटा लिया हमने। किसी के 500 तो किसी के 1000 तो किसी के 300-400 भी मिल रहे हैं। यहाँ पर भी दो जन बचे, इस टकले की तो मैं लग जा लग जा लग जा। चलो ये तो गया। अबे यार फिर से रिलोडिंग, क्या नसीब है यार, ये वाली गन ही बकवास है। चलो फाइनली मुझे लगता है गाइस मैंने सबको मार लिया, अब जल्दी से टू फेस को ढूंढते हैं। अबे यार वो रहा टू फेस। गाइस यार वो तो यहाँ से भाग रहा है, वो तो घर के अंदर ही जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है। बैटमैन को लगा वो मुझे पकड़ लेगा, पर ये उसकी गलत फहमी थी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और वैसे भी यहाँ पर बस एक ही हेलीकॉप्टर था, तो वो मेरा पीछा भी नहीं कर सकता। गाइस गाइस वो तो भाग रहा है, यहाँ पर मैं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करूंगा। ये लगाया मैंने निशाना और बूम, लग जा लग जा लग गया। बेचारे की हालत खराब हो गई होगी, उसे लगा था वो भाग जाएगा, पर उसे ये नहीं पता कि हम भी बहुत बीट है। अब जल्दी जल्दी उसके पास जाते हैं, देखना होगा वो गया भी है या नहीं। गाइस यार इसके तो वाट लग गई, और इसके हमें $40,000 मिल गए। पहले सारे गुंडों को मार के हमें $10,000 मिले, और इसके 40, अब हमारे पास $50,000 है। इसका तो एक ही मतलब है गाइस, हम नया सूट खरीद सकते हैं। तो मैं इंतजार किस बात का कर रहा हूँ, जल्दी से खोलता हूँ मार्केट, देखता हूँ 50,000 में क्या है। ये रहा 50,000 वाला सूट और बाय। गाइस यार हमने तो इंस्टेंट डाइटिंग कर ली, सीधा झाड़ी से पतले हो गए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये वाला जो बैटमैन है ना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, एकदम कॉमिक वाला बैटमैन लगता है यार। पर मुद्दा नहीं बदला, अब भी वही है, हमें चाहिए पैसे ताकि हम अपने सूट को अपग्रेड कर सके। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, जोकर कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है, उसने अपनी आर्मी जमा कर ली है, तुम्हें उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। ये रही उसकी लोकेशन। ओके गॉट इट। गाइस यार जल्दी जल्दी जाते हैं, पता नहीं वहाँ पर कितने लोग होंगे, क्योंकि बैटमैन ने अभी जस्ट कहा वो अपनी आर्मी खड़ी कर रहा है, और आर्मी का मतलब तो 4-5 बंदे होते नहीं है। चलो यार हम लोग लोकेशन के पास पहुँचने वाले हैं, यही वो जगह है जहाँ पर जोकर होना चाहिए। एक मिनट यार मुझे यहाँ से कुछ तो दिखाई दे रहा है, वो रहा हुआ ऊपर जोकर, और ये रही उसकी आर्मी। यार ये लोग तो कम नहीं है, इसने तो जोकर आर्मी खड़ी कर दी है, और ये सीधा अपनी तरफ आ रहे। खाली जोकर नहीं यार, यहाँ पर तो बहुत सारे अलग लोग भी है। चलो 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 चलो, बच गए बच गए। अबे यार ये लोग तो एकदम भाग के नजदीक आ रहे, और बहुत अजीब तरीके से भाग रहे। दूर 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 दूर, इनके नजदीक नहीं जाना मुझे, इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। यहाँ पर भी बहुत सारे है यार। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हमें क्या, हमें तो पैसे मिल रहे, जितने जनों को मार रहा उतने ज्यादा पैसे मिल रहे। चलो यार गाइस फाइनली इन सभी को तो निपटा दिया, अभी हमें जाकर ढूंढना है जोकर को। ओ एक मिनट, ये अभी भी जिंदा बच गया, इसकी तो मैं ये ले। और कैश अकाउंट के अंदर अब जाकर ढूंढेंगे जोकर को, देखता हूँ कहाँ तक छुपता है वो, सॉरी कब तक छुपता है वो। गाइस मुझे लगा मैंने सबको हरा दिया है, पर यहाँ पर तो पूरी सेना की सेना आ गई है। कहाँ गया मेरा रॉकेट लॉन्चर, यही एंड मोमेंट पे मेरे काम आता है, लास्ट टाइम भी यही काम आया था। चलो चलो गाइस, एक साथ इतने इतने पैसे मिल रहे, कितने सारे जन एक साथ उड़ रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है। अबे यार ये लोग नजदीक आ गए, हटो। गाइस यार बच गए बच गए बच गए। अबे कहाँ आ रहा है, ये ले, ये थोड़ा नजदीक हो गया। अब यहाँ पर बस थोड़े बहुत बचे हैं, इनकी तो मैं ये लो। गाइस फाइनली इन सबको मार के हमें $1,00,000 मिल गए, बेचारे सबकी बैंड बच गई है। और यहाँ पर भी फायर ब्रिगेड आ गई है, वैसे आना तो एम्बुलेंस को चाहिए था, पर कोई बात नहीं। देखो गाइस अब हमारे पास $1,00,000 है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, इसे सही काम में लगाते हैं और जाके अपना सूट खरीदते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या नया है। ये रहा $1,00,000 वाला सूट, और ये बाय। वैसे ये पूरा बैटमैन दिख भी नहीं रहा है, पर ये बहुत ज्यादा कूल है, और ये ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री वाला है। अब ये जोकर कहा जा सकता है। ओ भाई यार ये पीछे से कैसे आया, ये तो ऊपर था ना, और इसने आते फेलना शुरू कर दिया। गाइस इसे सबक सिखाना पड़ेगा। इसने तो अपनी ताकतें बढ़ा ली है, इसकी तो मैं ये ले। और ये कहा, क्या हुआ वाट लग गई, क्या उड़ उड़ के जा रहा है, इसे लगा बस यही ताकतवर है। गाइस अच्छा हुआ कि सही टाइम पे हमने अपना सूट अपग्रेड कर लिया और नया सूट खरीद लिया, वरना थोड़े बहुत जो इसको मार रहे ना वो भी नहीं मार पाते। ओहो क्या भाग के आ रहा है, इसकी तो मैं ये ले। यहाँ पर आ बेटा। गाइस यार क्या जम मारता है ये तो गया भाई, गया गया। और ये ले, और ये खा। गाइस मुझे लगता है ज्यादा देर नहीं टिकेगा, और ये गया। सच्ची में गया गया गाइस। चलो फाइनली इसको भी हरा लिया, $5,00,000 मिले इसको मारने के, इतनी वैल्यू थी इसकी। चलो थी नहीं थी, हमको क्या करना गाइस, हमें तो $5,00,000 मिल गए। हम अपना काम करते हैं, जल्दी से मार्केट खोलते हैं और देखते कौन सा सूट है 5,00,000 में। और ये बाय। ओ भाई यार कसम गाइस, इतना खतरनाक लग रहा है व्हाइट बैटमैन, क्या कॉम्बिनेशन है यार, मुझे ये बहुत पसंद आया। और गाइस हमेशा की तरह कमेंट करना मत भूलना कि आपने कौन सा बैटमैन का सूट पहली बार देखा है और कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा। आप सोचो तब तक मैं सोचता हूँ कि और पैसे कैसे जमा करूँ। एक चीज मुझे पता है, लॉस सेंटोस में हर बार कहीं
कहीं ना कहीं पर रैंप या फिर पार्कोर चैलेंज होता है, हमें बस उसे ढूंढना है। तो गाइज उसे ढूंढते ढूंढते मैं आ गया हूँ बीच पर जहाँ पर लगा है एक मेला, और एक मिनट यहाँ से मुझे रैंप दिख रहा है। अब वो रैंप है या पार्कोर चैलेंज वो तो जाकर ही पता चलेगा, तो फटाफट इसके अंदर जाते हैं। कितना अच्छा लगता है यार यहाँ पर आके, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े, मुझे लगता है वही से स्टार्ट होगा, तो जल्दी जल्दी जाते भाग के। एक मिनट, हार्ली ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मुझे पता था तुम आओगे। मेरा इंतजार? हाँ वैसे छोड़ो, अच्छी बात है, तुम्हें तो मुझे ढूंढना था ही, अब जब आ ही गई हो तो तुम्हारी बात तो लगनी है। मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें हराने आई हूँ। मुझे पता चल चुका था कि तुम यहाँ पर पार्कोर चैलेंज करने आने वाले हो, जिससे तुम्हें पैसे मिले। देख पैसे तो मैं ऐसे भी लेके रहूंगा, और तू मुझे नहीं हरा सकती, ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझी ना। तुझे इसमें हराऊंगा भी और उसके बाद वाट भी लगाऊंगा। भूल जाओ, वो सारे पैसे मैं जीत के जाऊंगी यहाँ से, और तुम बस देखते रह जाओगे। ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही गाइस? अबे यार आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी को भी पार्टिसिपेट करने देते हो? तुम लोगों को पता ना ये कौन है, ये हमारी दुश्मन है, इसे अभी कभी यहाँ से निकालो। इसने हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है, अब ये गेम है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। अब ये तुम पर है, जो सबसे कम टाइम में ये रैंप पूरी करेगा वो जीतेगा। क्या मुसीबत है यार। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। रूल बहुत ही सिंपल है, तुम दोनों को एक एक चांस मिलेगा, उसमें तुम्हें यहाँ पर जो पार्कोर चैलेंज दिख रहा है इसे कम्प्लीट करना है, यहाँ से होते हुए ऊपर जाना है, जो भी चैलेंज को सबसे कम टाइम में पूरा करेगा वो जीत जाएगा और उसे मिलेंगे $1,000,000। बैटमैन तुम्हारी तो वाट लग गई, क्योंकि तुम तो मुझसे कम टाइम में कर नहीं पाओगे। चलो मैं चलती हूँ, जीतने के बाद मिलूंगी। बेचारा बेवकूफ बैटमैन बहुत बड़ी गलतफहमी में है। फाइनली मैं तो पहुँच गई। बैटमैन तो गया, मैंने ये चैलेंज 5 मिनट में पूरा किया है, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ। गाइस यार क्या मुसीबत है, उसने तो बहुत जल्दी कर लिया, उसका टाइम है 5 मिनट, हमें उससे पहले करना होगा। चलो सारे ब्लॉक तो चढ़ चुका हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा पतला रास्ता है पर मैं स्लो नहीं चल सकता, मैं यहाँ से भी भाग के जाऊंगा। गाइस रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे लगा मैं तो गया। सीरियसली गमले कौन रखता है बीच में। चलो छोड़ो यार, यहाँ पर 2 ड्रॉवर है, यहाँ से होते हुए ऊपर जाएंगे। अबे यार यहाँ तो झटके लगेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ये शॉक देने वाली चीजें बीच में कौन लगाता है। फिर से एक पतला रास्ता, ये लोग चाहते भी है कि नहीं कि मैं जीतूं। चलो गाइस थोड़ा ही बाकी है, यहाँ से हमें जंप मारनी है और यहाँ से ऊपर होते हुए चलो फाइनली किसी रास्ते पर। अब यार यहाँ से फिर से शॉक, चलो निकल गए, पहली बार मुझे झटके नहीं लगे। यहाँ से भी ऊपर जाना है यार, और कितना ऊपर चढ़ूं मैं, क्योंकि इतने ऊपर आने के बाद अगर नीचे गिरा तो सीधा ऊपर जाऊंगा। अब इन पाइप पर से दौड़ते हुए, ये तो रोलर कोस्टर की बोगिया है ना, इन्हें भी निकाल दिया। चलो छोड़ो अपने को क्या, अब यहाँ पर एक टनल है स्टील की, इसके अंदर से होते हुए चलो इतने तो पहुंचे। मुझे लगता है हम लोग काफी ज्यादा नजदीक है, और सामने एक बोट है, इस पर आराम से जाना होगा। अबे नहीं नहीं ये तो गिर रही है। क्या लोचा है यार, फिर से ऊपर चढ़ो और यहाँ से जंप। अबे नहीं 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 नहीं, ओब क्या अंदर घुसा हूँ मैं ड्रॉवर के, थोड़ा सा भी इधर उधर होता ना तो सीधा नीचे ही जाता। गाइस यार 5 मिनट में अभी भी टाइम है, जल्दी जल्दी जाते हम लोग अपने फाइनल स्टेज पर ही है, यहाँ से बस ऊपर चढ़ना है, फिनिश लाइन यही पर है। और गाइस हम लोग पहुँच गए। कैसी हो हर्ली? देखो मैं जीत गया, और मुझे तुमसे एक और बात बोलनी थी। ये लो, मुझे चिढ़ा रही थी कब से नीचे। चलो गाइस ये तो गई नीचे, उसी के साथ 2 विलन डाउन, और हमें मिल चुके हैं $1,000,000। जल्दी से खोल है मार्केट और देखते हैं 1,000,000 में कौन सा सूट है। और ये रहा बाय। गाइस यार ये भी कमाल का लग रहा है, बैटमैन के सारे सूट कितने कमाल के हैं। बस सवाल ये है कि यहाँ से नीचे मैं कैसे जाऊंगा, फिर से उतरने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ से जंप कर लेता हूँ, जो होना होगा हो जाएगा। ओहो, अबे यार ये तो उड़ भी सकता है, कमाल यार कमाल। चलो अपने लिए बहुत अच्छा है, अगर ये उड़ सकता है तो इसके पास और भी पावर्स होंगी, और वो मुझे टेस्ट करनी है। इसके लिए मैं आया हूँ फिर से शहर में, और देखते हैं यहाँ पर एक सामने गाड़ी है, और ये ले यार क्या ताकत है, और हमें पैसे भी मिल रहे हैं। ये दोनों चीजें जब एक साथ होती है ना तो एक्सट्रीम मजा आता है मुझे। और ये गई, किसी के 50,000 तो किसी के लाख। इस ट्रक को मार के देखते हैं। ये ले और ये खा। ओ भाई साहब क्या बात है यार, $2,00,000 मिल गए थे। अब इस गाड़ी को उठा के फेंकते हवा में, और ये गई। गाइस यार क्या बात है, अब इसकी बारी। एक गाड़ी से 2 गाड़ी को मारते हैं और दोनों के 1,00,000 मिले। अब इस ट्रक की बारी, ये खा। बूम बूम, उसके हमें $3,00,000 मिले। गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर नॉर्मल गाड़ियों को फोड़ने से इतने पैसे मिल रहे हैं तो सोचो मिलिट्री बेस की गाड़ियों को फोड़ने से कितने मिलेंगे, वो तो कितनी महंगी होती है। तो जल्दी जल्दी चलते वहाँ पर और देखते हैं कि हम वहाँ पर कितने पैसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे वाला जो सूट है ना वो है $5,000,000 का, और अभी तक हमने 2 मिलियन तो जमा कर ही लिए, बस 3 मिलियन जमा करना है यार। चलो मिलिट्री बेस तो पहुंच गए, अब मिलिट्री वाले आते होंगे, उन्हें जल्दी पता चल जाता है। ओह आ गए, आते ही हमला शुरू इनकी तो। मैं ये लो गाइस, गाड़ी मैंने उठा ली, अब देखना होगा हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। और ये गाई। ओ भाई साहब दोनों के 5,500,000 मिले, और इसको फोड़ के देखते हैं। इस अकेले का गाइस 7,00,000 मिला, क्या बात है यार, ऐसे तो हमारे पैसे बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे। इसका भी 7,00,000 मिला, मजा आ गया यार, सबको जला के खाक कर दूंगा। अब यार इसके 30,000 ही मिले, यहाँ पर 2 और गाड़ियां है। ये लो
दोनों के 50,000। अब इसकी बारी, ये ले, देखते हेलीकॉप्टर का कितना मिलता है। और ये गया नीचे 8,00,000। अब यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन ही है ना, चॉपर है, देखा ही नहीं मैंने ध्यान से। इसको गाइस ऐसे उड़ाते हैं, ओहो ये तो मिलिट्री प्लेन ही था। गाइस उसी के साथ हमारे पैसे पूरे हो गए, हमें जितना चाहिए था उतना मिल चुका है, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। फालतू का क्यों पंगा लेना, जरूरत तो पूरी हो ही गई है। अब यहाँ पर अच्छा सा कोना ढूंढते हैं, कोना तो नहीं है, चोटी पे उतर जाते हैं और देखते हैं गाइस के 5,000,000 में कौन सा सूट है। ये कोला मैंने मार्केट, और ये रहा 5,000,000 वाला सूट, क्या बात है। बाय एक समुराई बैटमैन, ऐसे हाफ हाफ करेंगे तो क्या होगा, समूमैन, या फिर हम लोग इसको समुराई बैट भी बुला सकते हैं। कितना कूल लग रहा है ना दिखने में। पैर फिसल गया। आउच। अबे रुक जा, कितना घसीटेगा। सामने मिलिट्री वाला जा रहा है, उसको बस आवाज ना आ जाए। बेइज्जती हो गई गाइस, आते ही बेइज्जती हो गई इतने महंगे सूट की। कोई बात नहीं, अब सोचना होगा कि आगे पैसे कैसे जमा करें, क्योंकि हमें और भी ताकतवर बनना होगा, उसके लिए लगेंगे नए सूट। ऐसे तो मैं सुपरमैन को नहीं हरा सकता ना। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर क्या चल रहा है, इतनी खतरनाक गाड़ियाँ, या फिर ये सारी मॉन्स्टर ट्रक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई तो होगा जिससे पूछ सकूं। यहाँ पर एक अंकल है, अरे अंकल जी यहाँ पर क्या चल रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। अंकल होगा तू, समझाना, अंकल मत बोल, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। और हाँ, यहाँ पर एक डेडली रेस होने वाली है। डेडली रेस क्यों, इसमें ऐसा क्या होने वाला है, मैं कुछ समझा नहीं बराबर, थोड़ा विस्तार में समझाओ। अच्छा ठीक है सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर 4 जन के बीच में रेस होगी, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और एंड पॉइंट भी यही होगा। तुम्हें 3 लैप लगानी है, जो सबसे पहले यहाँ पर सही सलामत पहुँच गया वो जीत जाएगा, और इन तीनों के साथ तुम्हारी रेस होगी। गाइस यार पता नहीं किस खतरनाक चीज की बात कर रही है। ओ भाई साहब, सब लोग तो गाड़ी में बैठ गए, हम लोग ही लेट हो गए। जल्दी दरवाजा खोल के बैठते हैं यार। चलो अभी तक कोई निकला नहीं। नहीं निकल गए, ये तीनों के तीनों मुझसे आगे निकल गए। ये गाड़ी चालू करने में मैं लेट हो गया हूँ। एक तो ये चलते हुए और भी खतरनाक दिख रही है, मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी है जो बस थोड़ी सोबर सी है, और सोबर के साथ गोबर भी कर दिया है मैंने, और उसने कहा था कि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी। अब पता नहीं वो किस चीज की बात कर रहा था, कैसे भी करके इनसे तो आगे निकलना होगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा यार, हमें पैसों की जरूरत है। साइड में दबा देते। नहीं, हमारा प्लान हम पर ही भारी पड़ गया, जो मैं इनके साथ करने वाला था गाइस, इन्होंने मेरे साथ कर लिया। पर कोई बात नहीं, इस गाड़ी में गन भी लगी है, अब तो इसकी बात है, अब तो गया ये। अब भाई यार नहीं, नीचे उतर, मेरी गाड़ी टेढ़ी हो रही है। मैं जो करने जा रहा हूँ वो उल्टा ही क्यों हो रहा है, मुझ पर ही भारी क्यों पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग रेस में है, भले तीनों जन आगे हो। ओ भाई यार, यहाँ पर तो मीटियोर गिरने लग गए, तो वो इस चीज की बात कर रहा था। ये सच्ची में एक डेडली रेस है, एक भी अगर मीटियोर मेरे पे गिर गया ना, तो हमारे गाड़ी की पूरी तरीके से बाट लग जाएगी। एक तो एकदम सामने गिर रहे। बच गए। रही वो गाड़ी, ये यहाँ पर अटक गई है, हमारे पास यही मौका इसे आगे निकलने का, उसके पास बस 2 जन बचेंगे। इस बेचारे की तो वाट लग गई यार। और ये देखो जरा, मुझे लगता है इन दोनों गाड़ियों पर भी मीटियर गिरे थे। चलो हमारा रास्ता तो साफ हो गया, अब इससे अच्छा और क्या ही चाहिए। जल्दी गाड़ी को भगाते, वैसे भी ये 3रा लैप है और हमें बचते हुए जाना होगा, वरना उनको पीछे करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। एक भी मीटियर अपने ऊपर गिरा तो हम लोग भी रेस पूरी नहीं कर पाएंगे और सारे के सारे जन हार जाएंगे। थोड़ा ही रास्ता बाकी, हम लोग पहुंचने वाले, बस मीटियर ना गिरे मुझ पर। और गाइस क्या बात है, हम लोग जीत गए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार। जल्दी जाता हूँ। अरे अंकल मेरी बात सुनो, जल्दी मेरा इनाम दो यार, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमने मुझे फिर से अंकल बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम जीत गए हो ना, तुम्हें सब चलेगा। ये लो तुम्हारा इनाम, पूरे $10,000,000, खुश रहो। अरे खुश क्या, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। 10 मिलियन क्या होते हैं इसको क्या पता। वैसे पता होगा, इसने दिए मुझे, पर 10 मिलियन हमारे लिए बहुत होते हैं। जल्दी से यहाँ पर जाके खड़े हो जाते और देखते हैं कि 10 मिलियन में कौन सा सूट है। ये खोला मैंने मार्केट। ओ भाई साहब, ये कमाल का लग रहा है मुझे, देखते कैसा होगा। बाय मैका बैटमैन, या फिर रोबोटिक बैटमैन, जो भी आप बुलाना चाहो बुला सकते हो। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे बेन की लोकेशन मिल गई, तुम्हें जल्दी से जाके उसे हराना होगा। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर तुम क्या करोगे। मैं बैटगर्ल को ढूंढ रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा था। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। गाइस यार जल्दी चलते हैं। गाइस यार बैटमैन ने जो लोकेशन दी थी ना, वो तो यही पर है। एक मिनट यार, बैटगर्ल तो यहाँ पर है, तो फिर बैटमैन किसे ढूंढ रहा था। और भाई साहब बेन भी यही पर है गाइस, वो रहा ऊपर, एकदम सूजा हुआ गुब्बारा लग रहा है। अब मैं बैटगर्ल को कैसे बचाऊ, वो कितनी ऊपर है, और अगर बेन ने मुझे देख लिया ना, तो वो बैटगर्ल को नीचे फेंक देगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या करूं। ओ भाई साहब, ब्लैक सुपरमैन, अब इसकी कमी थी, मुसीबत पे मुसीबत आई जा रही है। तुम्हें क्या लगा था बैटमैन, तुम इतनी आसानी से सब कुछ ठीक कर दोगे, ये तुम्हारी गलत फहमी है, यहाँ कुछ ठीक नहीं होने वाला, तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, अब तो तुम गए। ये लो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। आखिरकार बैटगर्ल मुझे मिल ही गई, फ्रैंकलिन ने मुझे लोकेशन भेजी थी, अब जल्दी से इसे बचा लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। फाइनली अब ये मेरे पास है, मैंने इसे बचा ही लिया, अब तुम सेफ हो बैटगर्ल, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। गाइस यार ये तो सच्ची में बहुत ताकतवर है, धुलाई पे धुलाई किए जा रहा है, रुक जा भाई।
की तो मैं ये ले और ये खा। हो, क्या पैसे मिल रहे हैं यार, मजा आ गया। 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसा कर करके पता नहीं कितने हो गए होंगे अपने। थोड़े बहुत और बटोर लेते हैं, ये ले और ये खा। देखो ज्यादा देर तो इसे नहीं संभाल पाएंगे, पर थोड़े बहुत पैसे और चाहिए। इसे हराने का बस एक यही रास्ता है, अब ये खा लात। ओ भाई साहब गड़बड़ हो गई। गाइस और इसे नहीं मार सकते, हमारे पास $20 मिलियन जमा हो गए। सबसे पहले तो यहाँ से दूर भागते हैं इससे पहले कि सुपरमैन आए। अब मार्केट खोल के देखते हैं हमें 20 मिलियन में कौन सा सूट मिल सकता है। वो ये थोड़ा अलग सा लग रहा है। और बाय एक डूम बैटमैन, सुपरमैन के सामने डूम बैटमैन, क्या ही फाइट होने वाली है। अब तो ये गया, आजा 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 आजा, क्या वो आगे नहीं आ पा रहा है। गाइस ओ तेरी की क्या लगी है यार, अब तो ये बचेगा नहीं। ये ले, एक दो पंच और मारेंगे इस पे तो मैं मीटियर फोड़ूंगा। ओहो भाई साहब क्या नजारा है यार, गाइस मजा आ गया। लेजर छोड़ रहा है, लगता है इसे फिनिशर देने का टाइम आ चुका है। 1 2 3 और ये ले। गाइस यार मुझे लगता है ये तो गया, मरते मरते पूरा पत्थर का ही बन गया है, बेचारा बहुत बुरा हुआ इसके साथ। तो गाइस यार सुपरमैन को तो हमने हरा लिया है, आखिरकार इसे रोकने में हम कामयाब हुए। अब चलते हैं। 1 मिनट यार, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, अब इससे भी लड़ना पड़ेगा, क्या ही मुसीबत है यार। वो 1 मिनट, ये क्या हुआ, बैटमैन। चलो यार सही टाइम पर आया, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी इससे लड़ने वाली। चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की तो ये मेरा फर्ज बनता है।